हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों देखिए, आज हमारे पास आया सैमसंग का मोबाइल, जो कि सैमसंग का मॉडल है B310। तो दोस्तों इसमें आपको दिक्कत आ रही है, देखिए इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है दोस्तों। ये नोट सर्विस का निशान आ चुका है दोस्तों इसमें, जो कि इसमें रेंज नहीं आ रही है। इस रेंज को हम ठीक करेंगे, आपको दिखाएंगे इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दोस्तों हमें फ़ोन को खोलना पड़ेगा दोस्तों, बिना खोले ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती है। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो लेकिन हम आपको छोटी वीडियो बना के दिखाएंगे कैसे हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इसके फ़ोन को खोल लेना है, सारी सिमें वगैरह, चिपें वगैरह, बैटरी वगैरह निकाल लेनी है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों तीन नट दिए गए हैं, तीनों नटों को खोल लेंगे दोस्तों। नटों को खोलने के बाद दोस्तों देखिए प्लेट बाहर आ चुकी है और इसकी सील है, देखिए यहाँ पे इसको उठा लेंगे। इसके अंदर भी दिक्कत हो सकती है कई बार का दोस्तों, फ़ोन पे पानी वगैरह लगने के कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, और गिरने के कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, हमने प्लेट को खोल लिया, इसकी सील खोल ली है। तो इस पर हल्का फुल्का ही कार्बन है, ज़्यादा कार्बन नहीं आया दोस्तों। तो देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत ही कार्बन है इस पर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने अब इसको करेंगे ठीक, एक बार चेक कर लेंगे मीटर से इसमें कहाँ से दिक्कत आ रही है दोस्तों। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम हमें ठीक करनी पड़ेगी जब ये कोलिंग वगैरह सही तरह काम करेगा दोस्तों। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों देखिए प्लेट को निकाल लेते हैं थोड़ा बाहर, क्योंकि हमें इस पर अच्छी तरह काम करना पड़ेगा, काबी से और असेंबली से दोनों चीज़ों से काम करना पड़ेगा, तभी ये सही तरह ठीक होगा। तो आप इसके पत्ते वगैरह को भी उतार सकते हैं, कई बार क्या होता है पत्ता भी जल सकता है दोस्तों जब हीट वगैरह करेंगे। और तो डिस्प्ले को थोड़ा यहाँ से निकाल लेंगे, उससे पर क्या करेंगे दोस्तों, सारा कुछ काम करने से पहले एक बार क्या करेंगे, फ़ोन को अच्छी तरह क्लीन करके साफ़ करके देखेंगे दोस्तों। कई बार क्या होता है इस चीज़ से प्रॉब्लम चली जाती है, अगर छोटी मोटी कोई कमी आती है क्लीन वगैरह करने से, और फिर हल्की हल्की कर लेना ताकि इस पर जितना भी मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा दोस्तों। तो देखिए हमने इसको सारा साफ कर लिया है, तो हमने इसको चलाया लेकिन ये इसमें सही तरह नेटवर्क नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं ये क्रिस्टलाइज़ है, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डिस्प्ले को जूम करते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ सके हम कौन सी आईसी पे काम करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए इसके कंपोनेंट वगैरह चेक किया हमने, उन पर सही तरह आ रहा था, रेंज वगैरह सही तरह कंटिन्यूटी दिखा रहा था दोस्तों मीटर से मल्टीमीटर से। तो इस आईसी में दिक्कत लगती है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको सोल्ड करेंगे एक बार, अच्छी तरह पेस्ट वगैरह लगाएंगे, गर्म करेंगे, आपको दिखाएंगे। आप वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आपको पता लगेगा दोस्तों क्या काम कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम कैसे जा सकती है दोस्तों। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस पर हल्के हल्के हीट करेंगे और आईसी को उतार के थोड़ा सा इस पर दोबारा सेट करके हिला के रख देंगे, जिससे कि दोबारा सोल्डिंग हो जाएगी इस पर। तो फिर देखते हैं ये काम करके अगर चलेगा या नहीं चलेगा दोस्तों। अगर ये काम करने के बाद भी ना चले तो फिर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों, दूसरी प्लेट से निकाल के। तो सैमसंग के बोर्ड होते हैं दोस्तों कीपैड वाले, उनके अंदर लगी होती है तकरीबन, तो वहाँ से उतार के इसको चेंज भी कर सकते हैं। बाकी इसको हम एक बार क्या करेंगे, उठा के थोड़ा हिला के, जिससे कि दोबारा रिसोल्ड हो जाएगी, हिला के इसके ऊपर रख देंगे। तो इतना काम करके देखेंगे दोस्तों इस काम से, अगर ये रेंज आती है नहीं आती दोस्तों इसमें, तो अगर रेंज आ जाएगी तो दोस्तों अच्छी बात, अगर रेंज नहीं आएगी तो फिर आपको अगला स्टेप दिखाएंगे आगे हम क्या करेंगे जिससे कि अच्छी तरह काम करेगा। तो देखिए हमने इस पर क्या किया, हीट कर लिया है और पेस्ट पिक लगा के इसको हिला के अच्छी तरह लगा लिया इस पर। तो फ़ोन को फिट करके देख लेते हैं दोस्तों, और फ़ोन को फिट करने से पहले क्या करेंगे, इसको एक बार प्लेट को क्लीन कर लेंगे सही तरह, जितना इस पर एक्स्ट्रा जो पेस्ट लगा था दोस्तों वो देखिए जम चुका है काफ़ी तरह, तो इसको एक बार साफ़ कर लेंगे एकदम क्लीनर लगा के इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, जिससे कि ये प्लेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और नई बरकी लगेगी दोस्तों। तो आपको इसको दिखाते हैं फटाफट साफ़ करके, और करते हैं इसको फिट और देखते हैं ये काम करेगा नहीं करेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा दोस्तों। अगर नहीं चला तो फिर दिखाते हैं आगे और ठीक करके। तो देखिए दोस्तों इनको हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया है, कोई कह भी नहीं सकता कि इस पर हमने इसको हिलाया था, ठीक किया था या चेंज किया था, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बिल्कुल जैसे कि जैसे पहले लगा हुआ था वैसे ही हमने इस पर लगा दिया है। अब इसको बोर्ड को फिट कर लेते हैं इसमें अच्छी तरह, फिट करके देखते हैं सिम वगैरह डाल के इसमें रेंज आती है कि नहीं आती दोस्तों। रेंज आएगी तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, और लाइक भी करना। अगर नहीं आए तो आपको आगे दिखाएंगे कैसे ठीक हो सकती है दोस्तों इसको। पहले इसको फ़ोन को ऑन कर लेते हैं फटाफट दोस्तों, देखिए फ़ोन हो रहा है, यह सैमसंग B310 सी मॉडल है दोस्तों, कीपैड मोबाइल है, म्यूजिक वाला है दोस्तों, इसमें चिप चलती है, गाने वगैरह चल जाते हैं दोस्तों इसमें, खाली MP3। तो देखिए ये फ़ोन ऑन हो रहा है दोस्तों, तब तक आप वीडियो को लाइक करें जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, और कमेंट भी कर दे दोस्तों। वीडियो में आपको दिखा रहे हैं हम फ़ोन को कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों, नेटवर्क का फॉल्ट होता है दोस्तों। तो देखिए इसमें रेंज आ चुकी है दोस्तों, जो कि पहले इसमें रेंज नहीं आ रही थी, गोल निशान लगा हुआ था रेड कलर का, तो स्टॉप का निशान लगा हुआ था जो दोस्तों, अब इसमें नेटवर्क आ चुका है अच्छी तरह। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले दोस्तों, और आप ऐसे ही वीडियो को देख देख के आपको भी रिपेयर करनी आ जाएगी दोस्तों बिल्कुल।
गारंटी देता हूँ मैं, आप वीडियो देखते रहना, दो डेली की एक वीडियो देखते हो दोस्तों, आपको 3-4 महीने में इतना तो पता लग ही जाएगा फ़ोन को कैसे खोल सकते हैं और फ़ोन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं जिससे कि हम फ़ोन को ठीक करवा सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय।